सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सांगरी की सब्जी और थोड़े से मैंने उसमें केयर भी मिलाए। तो ये सांगरी की सब्जी हम बनाएंगे प्याज और लहसुन के साथ, जो कि सूखी सांगरी होती है। वैसे मैंने फ्रेश वाली भी बना रखी है, उसकी भी सब्जी बनाई है, तो उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे। और ये जो हम सांगरी ले रहे हैं, जो हम शीतलाष्टमी पे बनाते हैं सूखी क्या है सांगरी, तो वो वाली सांगरी है, उसको हम भिगो के और उसको लहसुन और प्याज के साथ बनाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं सूखी सांगरी की लहसुन प्याज की सब्जी। सूखी सांगरी की लहसुन प्याज वाली सब्जी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सांगरी और कैर और कुमट ये जो सूखे मिलते हैं, जो हम शीतलाष्टमी पे और बनाते हैं, तो अभी पहले भी मैंने बनाए थे। और अब फिर देखिए, मैंने रात को भिगो के रख दिए थे हल्दी वाले पानी में। खूब अच्छे से इसको वॉश कर लें पहले, फिर उसको हल्दी वाले पानी में भिगोएं और फिर उसका भी पानी निकाल के धो लें और एक दो उबाल भी देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुमटिये, कैर और सांगरी को मिक्स कर दिया है। मैं कुमटिये को अलग भिगोती हूँ और कैर सांगरी को, कैर को भी पहले अलग धोती हूँ क्योंकि राख में होते हैं वो, तो फिर उसके साथ सांगरी में मिक्स करती हूँ। तो ये तो सब मिक्स किए हुए क्योंकि मैं इसकी सब्जी बना के रख दूंगी, हींग वाली जो हम शीतलाष्टमी वगैरह पे बनाते हैं, तो ये 8-10 दिन भी खराब नहीं होती है, तो ये सब्जी चल जाती है। और इन दिनों में हम जब बाहर नहीं जा रहे हैं तो ये सब्जी बहुत काम आती है हमारे। और जो सांगरी वगैरह सूखी होती है तो वो खराब भी नहीं होती है कैर, और हम ला के ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इन्हीं में से मैंने थोड़ी सी, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सांगरी निकाल ली, थोड़े बहुत कैर भी है इसके साथ। तो आप चाहे तो खाली सांगरी भिगो के बना सकते हैं, कैर मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखी थोड़ी सी, तो इसको मैं अभी, जैसे हम खाने के लिए चाहिए हमको सब्जी, तो लहसुन प्याज डाल के बनाऊंगी मैं इसको। तो ये मैंने थोड़ी सी सांगरी ले ली है, यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा ऑयल, मूंगफली का तेल डालेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन की 3-4 कलियां ली थी, उसको मैंने कूट के रख दिया है। तो इस तरह से मैंने इसकी पेस्ट, अदरक मैं इसमें नहीं डालूंगी इसलिए अलग से मैंने कूट के रखा है इसमें। इसका फ्लेवर ताजा कूटते तो बहुत ही अच्छा आता है। साथ में मैंने यहाँ पे दही रखा है थोड़ा, यदि आपके पास दही नहीं हो तो आप अमचूर डाल सकते हैं, और खाली दही का भी बना सकते हैं या खाली अमचूर डाल के भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े प्याज रखे हैं काट के, एक प्याज मैंने इस तरह से काट लिया है। साथ में मैंने थोड़ा जीरा रखा है, और यहाँ पे मैंने रखी है थोड़ी सी हींग, और थोड़ा अमचूर पाउडर भी रखा है वो दिखाने के लिए कि भाई यदि दही खट्टा नहीं है तो दोनों मिक्स करके बना सकते हैं या फिर खाली अमचूर और दही से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है नमक, नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, और हल्दी पाउडर रखा है, धनिया पाउडर रखा है, और रखा है लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और अब 1/2 टीस्पून मैं जीरा डाल रही हूँ उसके अंदर, और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ मैं हींग। जब जीरा चटकने लग गया है और हींग का भी फ्लेवर आ गया, तो अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। ये प्याज मैंने काट के रखा था इस तरह से, प्याज को थोड़ा सा हम भून लेंगे इसमें। यहाँ पे हमारा प्याज थोड़ा भून गया है, तो ये जो मैंने लहसुन कूट के रखा था 3-4 कलियां लहसुन की, उसको मैं डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ा भून जाएगा इसके साथ। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो खाली हींग जीरे में ये सब्जी को बना सकते हैं, दही की खटाई डाल के और मसाले सब जो भी आप डालते हैं वो डाल के। तो अब इसमें हम हमारे मसाले ऐड करेंगे, तो 1 टीस्पून डालूंगी मैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और करीब 1.5 टीस्पून डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, और ये मिर्ची वगैरह जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा खाते हैं तो इस हिसाब से डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये दही, आप देख सकते हैं दही लिया मैंने, और करीब 3 से 4 चम्मच मैं दही डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि मैं थोड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा बनाए तो उस हिसाब से आप डाल लें। तो ये दही डाल दिया मैंने, और यदि दही खट्टा नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि दही खट्टा नहीं है, तो आप थोड़ी सी अमचूर डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये देख सकते हैं 1/2 टीस्पून मैंने अमचूर भी डाल दिया, और खाली दही की खटाई है तो दही खट्टा, और खाली आपके पास दही नहीं है तो अमचूर भी डाल के बना सकते हैं, और खाली दही भी, दोनों तरह से बना सकते हैं। और यदि दही खट्टा नहीं, आप दही भी डालना चाह रहे तो थोड़ी अमचूर भी डाल सकते हैं और थोड़ा दही, जैसे भी चाहे इसके अंदर आप खटाई डाल सकते हैं जो मैंने अभी बताई आपको। तो मसाला थोड़ा भून लेंगे हम, इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार,
हमारा मसाला तैयार हो गया। तो ये सांगरी जो हमने रात को भिगो दी थी हल्दी के पानी में धो के और फिर भिगोई और वापस भी धो ली, और एक बॉईल भी दे दिया मैंने इसको ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब इसको हम इसमें मिला देंगे। तो इसका यही फायदा है कि अभी जब सब्जियां नहीं मिल रही है और ये सूखी हम ला के घर पर रख सकते हैं, और हमने सूखी भी खराब भी नहीं होगी, और जब बनानी हो तब रात को भिगो दें और सुबह इसकी सब्जी बना लें हम, तो बहुत ही आसान रहती है ये सब्जी और खाने में भी स्वादिष्ट ट्रेडिशनल हमारी सब्जियां खाइए। अभी आप इन दिनों में जब आप बाहर नहीं जा सकते, हरी सब्जी उपलब्ध नहीं हो, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसके अंदर अभी मैं पानी मिला दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिला के इसको भूनेंगे ताकि मसाले भी जले नहीं। तो यहाँ पे ये हमारी सांगरी की सब्जी तैयार है। तो देखिए अब कितनी फटाफट बन गई, बस भिगोने का काम होता है उसके बाद, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। और आप चाहें तो कैर भी मिले हो तो इसके अंदर डाल सकते हैं, मिला के भी बना सकते हैं, और खाली सांगरी भी, और दही की खटाई, अमचूर की खटाई, लहसुन की, बिना लहसुन की, जैसे चाहें आप इसे, थोड़ा सा इसमें रस्सा भी रख सकते हैं यानी कि ग्रेवी हल्की सी, और बिल्कुल सूखा भी बना सकते हैं इसको, तो जैसे भी चाहें इसको। तो अब हमारी ये सांगरी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से ये सब्जी बन जाती है, इजी भी है बनाने में। और अभी इन दिनों में जब सब्जियां फ्रेश हम नहीं ला पा रहे हैं और ज्यादा लाते हैं तो खराब भी हो जाती, तो ये सूखी सब्जियां हैं, इसको लाके हम किराने की दुकान से जब हमें समय मिले तो इसको लाके रख सकते हैं, और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इसे साफ करके और भिगो के हम इसकी सब्जी वैसे भी हींग वाली बना सकते हैं या फिर हम लहसुन प्याज वाली बना सकते हैं। तो मैंने लहसुन प्याज वाली बनाई, इसको आप थोड़ी बना लें जिसे सब्जी के तौर पर बना के खा सकते हैं लहसुन और प्याज डाल के, तो ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमागणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।